आंटी हम दलित हैं। क्या निशा बेटा, दो मिनट आ तो। क्या हुआ? तो इसे घर क्यों लेके आई? ये तुच्छ जाति के लोग हैं, इन्हें छूना भी पाप है। मम्मा, पाप क्यों लगता है? देख बेटा, ये लोग नीची जाति के हैं और हम ऊंची जाति के। हम जब छोटे थे ना, तो हमारे माँ बाप इनके साथ खेलने भी नहीं देते थे। अरे, इनके जरा से छूने पर भी हमें नहाना पड़ता था। पर मम्मा, मैं तो इसके घर पे नाश्ता करके आई। अच्छा ठीक है, गलती एक बार होती है। अब जा, उसे घर जाने के लिए बोल, और अब से तू उसके घर नहीं जाएगी और वो हमारे घर नहीं आएगी। जा गुड़िया, तू घर चली जा। मेरी मम्मा ने कहा है तुझे छूने से मुझे पाप लगता है, तू नीची जाति की है। मम्मा, आप ये ईयरबड्स यूज मत करो। मम्मा, आप ये चिप्स मत खाओ। मम्मा, आप ये चावल साफ मत करो। आज निशा को क्या हुआ? इतनी बदली बदली क्यों है? निशा बेटा, एक मिनट इधर आ तो। हाँ मम्मा, क्या हुआ? बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ, पापा का फोन आया था, हमें होटल में खाना खाने जाना है। नहीं मम्मा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। बेटा मैं आज सुबह से देख रही हूँ, आपका बर्ताव मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आप ठीक तो हो? मम्मा, ठीक तो आप नहीं हो। मैंने क्या किया है? जाति की ऊंच नीच की बात आपने की थी और आप ही भूल गए, और आप ही अपनी कई बात का पालन नहीं कर रहे हो। मम्मा, आपने छुआछूत की बात तो समझा दी, पर क्या आपने कभी सोचा जो ईयरबड्स आप यूज करने जा रहे थे वो किसने बनाए? जो चिप्स आप खाने जा रहे थे वो किसने बनाए? जो चावल आप साफ कर रहे थे, जो दिन और रात मेहनत करके किसने निकाले? यहाँ तक कि जिस घर में आप रह रहे हो, उस घर को मेहनत मजदूरी करके किसने बनाया? जिस होटल में आप जा रहे हो, उसमें खाना कौन बनाता है? बर्तन कौन साफ करता है? माँ, दलित भी इंसान ही होता है, उसके रगों में हमारे जैसे ही खून दौड़ता है। ऐसी घटिया सोच रखने के कारण ही आज हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तूने सही कहा, हमारा देश आज जाति धर्म के भेदभाव की वजह से ही पीछे है। अगर हम सब ये छोड़ कर मिलजुल कर रहेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और सही मायने में आज़ाद बनेगा। मुझे माफ कर दो बेटा, अब से मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी, और जाति धर्म का भेदभाव भी मैं कभी नहीं करूंगी। जो माफ कर दो बेटा। अरे मम्मा, कोई बात नहीं, आप माफी मत मांगो। और हाँ, अब से तू गुड़िया के साथ रोज खेलना। थैंक यू मम्मा।